हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप अपकमिंग शाओमी के स्मार्टफोन 2020 में। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ टॉप बताने वाला हूँ, यानी कि जो स्पेशल स्मार्टफोन्स होते हैं, जैसे कि नोट सीरीज हो गई या फिर एम आई की ए सीरीज, यही बताऊंगा कि कौन कौन से लॉन्च हो जाएंगे 2020 में। और वैसे कई सारे भी हो सकते हैं, पर मेन जो है वही बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो आप पूरा एंड तक देखना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि आपको हमारे चैनल पर ऐसी वीडियोज मिलती रहे। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला स्मार्टफोन होगा पोको F2। जी हाँ दोस्तों, कई सारे लीक्स आ रही कि ये लॉन्च होगा, कई लोग कहते हैं कि नहीं होगा, पर मुझे जहाँ तक लगता है कि ये स्मार्टफोन जरूर आपको 2020 में देखने को मिलेगा, और ये स्मार्टफोन आपको मिड में देखने को मिल सकता है। तो इस स्मार्टफोन के लिए भी कई सारे लोग वेट कर रहे हैं, पर मैं अभी इस पर फुली डिपेंडेंट नहीं हूँ, क्योंकि कई सारे लोग इस पर डिपेंडेंट है कि ये कब लॉन्च होगा और हम इसको खरीदेंगे, या आपको देखने को मिल सकता है या फिर नहीं भी, ये कुछ श्योर नहीं है। इसके बाद में अगले स्मार्टफोन आते हैं रेडमी के 9A और 9। ये दो स्मार्टफोन अंडर 10,000 होते हैं, तो ये स्मार्टफोन आपको अगले साल देखने को मिलेंगे। इसके बाद में ये जो है 9A और 9, ये आपको स्टार्टिंग में देखने को मिलेंगे अराउंड मार्च अप्रैल, और जो 10A और 10 जो होंगे वो आपको अराउंड दिसंबर या फिर नवंबर में देखने को मिलेंगे। तो शाओमी हमेशा ऐसा ही करता है, पूरे एक साल में दो अपने स्मार्टफोन, यानी कि एक ही सीरीज में दो डिफरेंट लॉन्च करता है, 9 हो गया 10 हो गया। तो ये भी स्मार्टफोन आपको 2020 में देखने को मिलेंगे। इसके बाद में अगला स्मार्टफोन आता है एम आई का A4। तो हमको पता है कि एम आई का A3A स्मार्टफोन जो है वो इस साल लॉन्च हो चुका है, और काफी बढ़िया था। सिर्फ 13,000 में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देता है और काफी बढ़िया फीचर्स देता है। तो ऐसे में हमको जो है एम आई A4 2020 में मार्च अप्रैल के महीने में देखने को मिलेगा, जो एक काफी बढ़िया स्मार्टफोन होने वाला है, और ये भी आपको अंडर 15,000 देखने को मिलेगा। इसके बाद में अगले स्मार्टफोन आते हैं सबसे पॉपुलर रेडमी नोट 9 सीरीज। जी हाँ दोस्तों, ये स्मार्टफोन आपको अभी तो काम चल रहा है, तो मैंने एक वीडियो बनाया तो वो आप देख लेना। ये स्मार्टफोन रेडमी नोट 9 और नोट 9 प्रो, ये आपको मार्च अप्रैल या फिर फरवरी के महीने में देखने को मिल सकते हैं, और ये कंफर्म्ड है, ये आपको जरूर से देखने को मिलेंगे। तो इसमें आपको बहुत ही अच्छे फीचर्स मिलेंगे, जैसे आपको Redmi Note 8 Pro में मिलते हैं उससे भी अच्छे, और ये आपको अंडर 15,000 मिलने वाला है, तो काफी बढ़िया स्मार्टफोन हो जाएगा। इसके अलावा जो एंड होगा 2020 का, यानी कि समझो नवंबर दिसंबर, वहां तक आपको Redmi Note 10 और Note 10 Pro भी मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, तो जब भी अगले साल Note 10 Note 10 Pro लॉन्च होगा, तो आप इस वीडियो पर आकर जरूर से कमेंट करना कि मैंने ये बताया था या नहीं। तो ये भी बहुत ही तगड़ा होने वाला है, क्योंकि इसमें पता नहीं कितने सारे कैमरास आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद में अगला आता है एम आई नोट 11। ये स्मार्टफोन भी मुझे लगता है आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि एम आई नोट 10 जो है वो इस साल लॉन्च हुआ था, वो काफी बढ़िया स्मार्टफोन है, और ये फर्स्ट जो कमर्शियली अवेलेबल स्मार्टफोन है जिसमें आपको 108 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है। और पता नहीं एम आई नोट 11 में आपको कितना मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलेगा, शायद से 200 या फिर 150 मिल सकता है। तो ये भी स्मार्टफोन आपको मिड में देखने को मिलेगा या फिर एंड में भी मिल सकता है 2020 में। इसके बाद में आते हैं लोगों की सबसे पसंदीदा सीरीज अंडर 25,000, वो है रेडमी K30 Pro। जी हाँ दोस्तों, K30 तो अभी फिलहाल लॉन्च हो गया है दिसंबर में ही, और अगले साल में आपको स्टार्टिंग में K30 Pro देखने को मिलेगा, और इसके साथ में जब भी एंड होगा साल 2020, तो आपको K40 और K40 Pro भी मिल जाएगा। तो ये स्मार्टफोन्स आपको देखने को मिलेंगे रेडमी K30 Pro और K40 और K40 Pro 2020 में। तो ये थे कुछ टॉप स्मार्टफोन जो 100% लॉन्च होने वाले हैं 2020 में शाओमी की तरफ से, यानी कि एम आई, रेडमी, ये सारी कंपनी की तरफ से, यानी कि एक ही है वो है शाओमी। तो ये स्मार्टफोन बहुत ही अच्छे होने वाले हैं, और काफी इम्प्रूवमेंट आपको मिलेगा इन स्मार्टफोन्स में। इसके अलावा कई सारे स्मार्टफोन लॉन्च हो सकते हैं, तो वो कुछ मैं श्योर नहीं हूँ, तो वो मैं आपको सेपरेटली एक एक वीडियो करके बता दूंगा। तो ये स्मार्टफोन जरूर कंफर्म्ड है। तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, और आपको कौन से और स्मार्टफोन्स पता है कि लॉन्च हो जाएंगे 2020 में, मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, इस वीडियो को लाइक करना, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करना। मैं आपसे मिलता हूँ एक और नए फ्रेश वीडियो में। टिल देन, ग्रेट डे, सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो।